हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो खास करके जिसने एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो आप सभी लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने उस एयरटेल कंपनी का मोबाइल नंबर के अंदर जो मिस कॉल अलर्ट का सेटिंग्स है, ठीक है, उस सेटिंग्स को किस तरीके से ऑन करना है। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एंड लाइव टू पूछा उसके सेटिंग्स करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए बैनर वीडियो के साथ एंड वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ सकता है कि जो एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड के अंदर जो मिस कॉल अलर्ट का जो फीचर है वो एक्चुअली क्या होता है एंड कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। तो दोस्तों, एयरटेल कंपनी का सिम कार्ड का जो मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर के अंदर एक स्पेशल फीचर दिया गया है। अगर आप कहाँ पर भी आपका जाते हैं या फिर आपका मोबाइल नंबर के अंदर जो नेटवर्क वगैरह है, नेटवर्क वगैरह इशू होता है या फिर नेटवर्क नहीं रहता है, ठीक है, एंड नेटवर्क नहीं रहने की वजह से अगर आपको कोई भी कॉल करता है तो वहाँ पर आप लोग नॉट रीचेबल आता है। ठीक है, एरिया का बाहर इस तरीके से कंपनी बोलते हैं और कॉल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये सीरीज ऑन करके रखते हैं, ठीक है, मिस कॉल अलर्ट चालू करके रखते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को मैसेज के माध्यम से आप लोग का फोन के अंदर जब नेटवर्क आ जाएगा तो वहाँ पर आप लोग पता चल जाएगा कि कौन कौन आपको कॉल किया था या फिर कॉल करने के लिए कोशिश किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है एयरटेल कंपनी के अंदर, तो इसलिए सीरीज को ऑन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी वन बाई वन डिटेल्स में लाइव के साथ इस ब्रेस का दिखा देता हूँ, तो चलिए ब्रेस के साथ ब्रेस को कम्प्लीट देखते रहिए। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एयरटेल थैंक्स का ऐप है उस एप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले से उस एप्स को डाउनलोड करके रखा हो तो आप लोग सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करके उस ऐप को सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च कर लीजिए एयरटेल थैंक्स, ओके, एंड एयरटेल थैंक्स यहाँ पर ऐप सर्च करने के बाद आप लोग के सामने आ जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप आ चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट नाम पर एक ऑप्शन आ चुका है, तो इस अपडेट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस ऐप को सबसे पहले अपडेट कर लीजिए अगर आप अपडेट नहीं किया है तो। ठीक, अब मैं अपडेट वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली एक बार क्लिक कर देता हूँ, आप भी सिंपली इस ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों, फाइनली ऐप अपडेट कम्प्लीट हो चुका है। आप सिंपली डायरेक्टली उस ओपन वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप ऐप को ओपन कर लीजिए एंड ऐप ओपन करने के बाद अभी आपका करना क्या होगा, अगर पहले से आपका जो एयरटेल मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को लॉगिन नहीं किया है तो सिंपली मोबाइल नंबर को लॉगिन करके एक 4-डिजिट OTP आने वाला है, उस OTP को डाल के, ठीक है, फ़ोन नंबर सबसे पहले डालना पड़ेगा, उसके बाद कुछ OTP आएगा और उस 4-डिजिट का OTP को डाल के आप उस ऐप को लॉगिन हो जाइए। ठीक है, एंड लॉगिन होने के बाद अभी आप लोग क्लिक करना पड़ेगा टॉप के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर, जो कि मैं आप लोग को मार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप के अंदर आप लोग को मार्क करके दिखा रहा हूँ, उसके भी सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए एंड उस ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद अभी आप लोग क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स वाला ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि ये भी मैं आप लोग को मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली सेटिंग्स वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद अभी आप लोग के सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क एंड ब्रॉडबैंड यहाँ पर देख सकते हैं एंड मोबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैं आप लोग को मार्कर दिखा रहा हूँ। ये वाला जो आप लोग के फीचर दिख रहा है, ये जो आप लोग की सेटिंग, उसको आप लोग सिंपली ऑन करना पड़ेगा। तो सिंपली ये जो आप लोग को ऑप्शन है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए, उससे आप लोग का ये जो सेटिंग्स है मिस कॉल अलर्ट का सेटिंग्स है वो फाइनली ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो ऑन भी हो चुका है। अभी सबसे लास्ट के अंदर और एक ऑप्शन देखने मिलेगा, जो उसको भी आप लोग को ऑन करना पड़ेगा। उसके यहाँ पर देख सकते हो इनेबल बेटा, ये जो ऑप्शन आप लोग दिखाई दे रहा है इसको भी आप लोग को सिंपली एक बार क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली एक बार टैप करना है, उसके बाद आप लोग का जो फोन को मतलब ऐप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसको ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो ऐप है उस ऐप को रिस्टार्ट करने के लिए बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते रिस्टार्ट रिक्वायर टू लोड बेटा फीचर ऑन योर ऐप, ये जो कि स्पेशल फीचर है, ओके के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो एयरटेल थैंक्स का जो ऐप है वो फिर से ऑन हो जाएगा। तो अभी फाइनली जो सीरीज है ये सीरीज आपका ऑन हो चुका है, उसके बाद 100% गारंटी आपका जो भी मिस कॉल अलर्ट है जिस तरह से लोगों ने आपको मिस कॉल किया है, ठीक है, तो उसका फीचर आप लोग देखने मिलेगा और नोटिफिकेशन भी देखने के मिल जाएगा। और वो देख कहाँ पर देखना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो भी आपको मिस कॉल अलर्ट वगैरह आता है तो वो कहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अभी आप लोग सबको समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल ऐसा ज़्यादा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड करूंगा तो इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले मिलता रहेगा। सो चलो आज कल हम नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।